अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मज़दा 3। हम इसको रिमोट प्रोग्राम करेंगे। ऑटो और मैनुअल का सेम प्रोसीजर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है ओल्ड रिमोट, काम कर रहा है। हम इसको न्यू रिमोट कनेक्ट करेंगे। ये है मज़दा 3, 14, 15, 16 मॉडल सेम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने स्कैनर को ऑन कर लिया है, की प्रोग्राम को ऑन कर लिया। इसको क्लिक करेंगे, इधर हम ढूंढेंगे कौन सा गाड़ी है। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको मज़दा को सिलेक्ट करेंगे। मज़दा सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैनुअल या सिस्टम में जाना है। मैनुअल को ओके करेंगे, मैनुअल को, सिस्टम को नहीं आप ओके करना। मैनुअल को ओके कर लिया, उसके बाद जापान, ये जापान की गाड़ी है, जापान को ओपन करेंगे। उसके बाद कौन सा मॉडल है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये है मज़दा 3, हम सिलेक्ट करेंगे और मज़दा 3 को सिलेक्ट करेंगे। ये है मज़दा 3 आ गई, इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कौन सा मॉडल है, ये है 13, 14, 15, 16 मॉडल सेम होता है। स्मार्ट की को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने ऐड की करनी है, ऐड की को ओपन कर देना है। ये थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, उसके बाद हमने इसको ओके कर देना है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको टोटल प्रोसीजर समझ आ सके। हमने इग्निशन को ऑन करना है और इसको ओके कर देना है। यह आपने स्मार्ट की को दूसरी की को ओके करना है, दो की आपने तुम्हारी, ये प्रोसीजर है। इसके बाद हमने जो की है उसको पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देना है, साथ में मिला देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास रिमोट, इसको पुश बटन के साथ मिला दिया। ये थोड़ा सा प्रोसीजर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रेक को पुश करके रखना है और उसके बाद रिमोट को पुश बटन के साथ टच कर लेना है। हमने पुश ब्रेक कर दिया, उसके बाद की को, रिमोट जो आपके पास है, ये वाला रिमोट, उसको पुश बटन के साथ लगा देना है। उसके बाद इसको हमने ओके कर देना है। इसको हमने ओके कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो, हम इसको ओके करने जा रहे हैं। ओके कर दिया, ये जो रिमोट है इसके साथ टच कर दिया। ये थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, आपने ब्रेक नहीं छोड़नी, ब्रेक को पुश करके रखना है। ये प्रोसीजर थोड़ा सा हो रहा है। इसको फिर हमने कैंसिल कर देना है। हमने कैंसिल कर दिया, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम आपको रिमोट चला के चेक करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको ऑफ किया, ये देखो, हमने इसको ऑफ किया और ऑन किया, ये दे क्लोज किया, ओपन कर दिया। ये न्यू रिमोट है और ओल्ड रिमोट को हमने पहले आपको चेक करवा दिया। न्यू रिमोट ये काम कर रहा है। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर न्यू वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रही। जिन भाइयों का और कोई सवाल हो, कमेंट कर सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।